हापुड़ पुलिस ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध रेमडेसिविर इंजेक्शनों को चोरी कर उसकी कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते थाना पिलखुआ पुलिस और जनपदीय टीम ए ने प्रतिष्ठित रामा मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर इंजेक्शनों को बेचकर प्राप्त किए हुए 82,000 रुपए बरामद हुए हैं। आज थाना पिलखुआ पुलिस टीम एवं जनपदीय टीम ए की संयुक्त कार्रवाई में एक सूचना के आधार पर रामा मेडिकल कॉलेज के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचकर पाए हुए 82,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि ये रामा मेडिकल कॉलेज में जो कोविड पेशेंट भर्ती हैं उनको लगाने के लिए इन्हें इंजेक्शन्स मिलते थे, उनको मरीजों को न लगाकर कम लगाकर ये दूसरे अन्य मरीजों के अटेंडेंट को ब्लैक में बेच दिया करते थे। इनके विरुद्ध थाना पिलखुआ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट।